करा और ऐसे किया। मैं समझे चलो जला ले। गाइस मेरे को मैनेज करने का था नीचे, पर मैं नीचे नहीं गया, मैं रूम में आ गया क्योंकि मैंने एक और इंसान को बोल दिया था तो उसने मैनेज कर दिया। नीरव भाई ऑलरेडी निकल चुके, उसको भेजने का था वो चले गए। One eternity later. गाइस अभी एक और पंगा पै चुका है। ये लोग व्लॉग से काफी वो हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। ये देखो एक बहन बैठ गई है, दूसरा भाई भाग गया, दूसरी बहन भी बैठ गई बैठ गई। आ जाओ यार अंदर, जाना भी है यार। भाई कुछ कुछ करना मत, ऐसा वैसा रस्ते में जा रहे हैं, कुछ करना मत भाई। ठंडी लग रही है यार गाड़ी की बात नहीं, तुम लोग बैठो फिर भी ठंडी लग रही है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। भाई बहुत कुछ बड़ा हुआ है यार। लोकेशन पे पहुंच गए, अभी गाड़ी आई। लोकेशन है यहाँ का। ए हटो हटो भाई, क्या कर रहे हो। हाँ सो गाइस हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं। ब्यूटीफुल डेकोरेशन। ये थोड़ा नजर बट्टू जैसा है ना, है ना। झूला भी है, झूला भी है भाई। दिखा दे झूला भी है। ऊपर से ठीक अरे अरे तेरा आर्टिस्ट को बहुत अब करवा लीजिए।
तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सब लोग वापस, है ना भाई? टीवी आए भाई, इवेंट खत्म हो चुकी है भाई। भाई थक्के पूरे थक्के आए। सुबह 4:30 में मैं जगा था, ये भाई 7 जगा है। इन्होंने पहले ही जगा दिया था, मैं ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहा था सोने की। और मैं और ये मसाले वाले भाई, ये मसाले वाले भाई, हाय कह दो सबको। हाय। एंडिंग एंडिंग का जो टाइम होता है ना, सब लोग फिर मजाक मस्ती के मूड में आ जाते हैं, वरना पूरा दिन तो ये सड़ा हुआ मुंह ही रखता था। काम पे टाइम पे काम चाहिए ना। काम बच्चो, सब लोग गुड नाइट कह दीजिए। सब लोग भूतनी दिख रही है क्योंकि सारी परछाई दिख रही है यहाँ पर। ए भाई असली में गोडजिला की आवाज किसने निकाली? ये शक ही लग रहा था मेरे को, बाजू में बैठ के वाइब्स आ रही थी मेरे को। चल झूठा। गाइस हम लोग उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स में नहीं है वीडियो, पर हम लोग चल ही उल्टा रहे हैं। क्यों, क्या हुई? जस्ट फॉर फन। ये नाइट आउटिंग का कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था। अरे ये मसाले वाले भैया के पास चलते हैं। और आ जाओ मेरे पास रिटर्न भाई। ये बंदा नाइट आउट है ना, कमरे में बनाना चाहता है। नाइट आउट कमरे में बनाना चाहता है, आप समझ रहे हो? नाइट आउट है कमरे के बाहर, कमरे के अंदर दोनों जगह हो सकता है। दोनों जगह हो सकता है, तो फिर जिनको समझ रहे हो को भी ये गलत फहमी थी। ये जरूर जो फैमिली और हमारा इंग्लिश का कोथड़ा थोड़ा फटा हुआ रहता है, इसके लिए लीकेज होता रहता है, तो टेंशन आज मैंने जो कांड किया वो बता। वो कमरे में जाके बता, तो ये चेंज कर लूँ ना, तो बताने में थोड़ा मजा भी आए और ये माहौल जमा होगा तो इनके रिएक्शन भी पता चल जाएगा। तो ठीक है भाई, ये लोग हंसे तो फिर आप लोग भी साथ में हंसी लेना। ठीक है समझ गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाइस जिस चीज का आपको इंतजार था वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, पानी जैसी है। वाओ हाँ, तो हमें स्टार्ट करिए। हाँ, तो बात कुछ ऐसी थी, पानी जैसी थी। जैसे कि मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि भाई वो अंकल थे ना, वो अंकल थे, उन्होंने मेरे से पहले वो सेंटर में करवाया, वो जो था ना वो थामला। वो जिसके अंदर 6 वो डिबेट निकली हुई थी, ठीक है। अपने को उठाने में लगा कि भाई अपन तो खाली, अपन एक हाथ से उठाए उठा नहीं, अपन ने फिर भी 2 लगा के अच्छे से वहां पर रख दिया। उन्होंने शाबाश बेटा का, मैं हवा में आ गया, ठीक है। हवा में कर दिया। उन्होंने बोला बेटा माचिस ले आ। मैं माचिस लेने गया, सबको फोन किया, जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, तुम लोगों के पास दौड़ता दौड़ता आया, पर तुम लोगों ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। तुम लोगों ने बोला अमित भाई को ढूंढा, अमित भाई बोल रहे हैं तुम लोगों को ढूंढो, तो तुम दोनों में फिरता रह गया। 10-20 मेरे यू ही टाइम पास हो गया। मतलब तकलीफ नहीं होती, मतलब फिर क्या हुआ, फाइनली अमित भाई फर्स्ट एड हो गए, मेरे पास माचिस लाते हैं, उन्होंने मेरे तरफ फेंका, मैंने भी कैच किया, फिर अंदर थोड़ा सा और हवा में हो गया कि भाई चलो कैच भी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो माचिस लेके मैं भागता भागता गया वो काका के पास, जिसने मेरे को बोला था कि माचिस ले आ, ऑरेंज कुर्ते वाला, ठीक है ना, ठीक है। उसके पास मैं गया, वो फोन पे लगा हुआ था, दूसरा कोई अंकल तो था नहीं, तो मैंने बोला माचिस सर माचिस। रुको, उसने ऐसे करा और ऐसे किया, मैं समझा चलो जला ले। मैंने उसे पूछा, ठीक है ना, ये जला ले, रिप्लाई नहीं दिया, बोले जला लेते। मैंने बोला जला देते, जो होगा ये कर जाएगा, जल गई तो बुझा देंगे, ठीक है। फिर अपन ने अपना पहला कदम बगाया सक्सेस की तरफ, दूसरा बढ़ाया तबाही की तरफ। और जब मैं वहां पर पहुंच गया तभी मेरे को लगा यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, तो 5 दीवों को मैंने एक ही माचिस से जला लिया। फिर माचिस ऐसी हो गई, मैं सोचा कि अगर फेंकूंगा तो स्टेज जल ना जावे, पर फिर भी वो गिर गई। मैंने बोला चलो बच गए। फिर जब लास्ट वाली जला रहा था ना, वो एक भाई का, वो 2 ग्रुप में खड़े थे, वो बड़े बड़े तेरे साथ जो थे ना ग्रुप में खड़े थे, बड़े बड़े लोग, एक से ताड़ा वाले लोग हैं, और उनमें से एक ने चिल्ला के बोला ए भाई शू करे थे। मैंने 1 मिनट
एक दीवा बाकी, उन्होंने बोला भाई नहीं कर रहे। मैंने बोला वो अंकल ने बोला दो मिनट रुक जाओ बस फिर जला के अभी देख उनके पास गए भैया मैंने सारे जला लिए अब बोलो। उसने क्या बोला, किसने बोला था? मैंने बोला वो अंकल जा रहे हैं ना, कहाँ गए? ढूंढे में ना आए। मेरी तो फट गई कि भाई अभी ये लोग मेरा क्या करेंगे। मेरे को दिख गया ना दूर से, वो रे वहां से मैं भाग गया। फिर बाद में जब पकड़ में आया ना वो अंकल ने मेरे को पकड़ा कि तेरे को जलाने को किसने बोला था? ये साथ में था, ये भी देख के हंस रहा था, बोलो। ये मेरा टीम मेंबर, ये हंस रहा था, बोलो। ये हंसी मजाक का सिस्टम खत्म हुआ। फिर उन्होंने मेरे से ही पूछा कि भाई फूफा क्या फूक मारे? सबको एक ही फूक में सारा मार दिया, मेरे को थोड़ा और हवा में आ गया भाई। और सारे लोग खुश है, मतलब कि चलो भाई माहौल ठीक है। इतनी हवा लग गई कि एक ही फूक में पूछ गया, एक ही फूक में छह के छह दिए। क्या मेरे वाले में ये लोग लाइव थे भाई? उधर पता है क्या सिस्टम था? वो लाइव चल रहा था ना, बाबा जी आओ ना, बाबा को जड़ा नहीं मारी आनी पाए गयो बाबा। इन्होंने बहुत लदाया मेरे मेंबर्स होके, फिर भी इन्होंने लदाया। अरे ये टीवी में बताऊं तो आईडियो कर दो बड़े वाले में। देखो गाइस फेमस हो चुका हूँ, वो बड़े बड़े टीवी में आ रहा था। इन लोगों ने देखा, रिकॉर्डिंग करना चाहिए था ना यार, पागल हो गया क्या यार? Few moments later, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसके लिए हम लोगों ने ग्राउंड वाला फ्लोर ले लिया। तो ये रूम भी आपको दिखा देता हूँ, ऐसा है जैसे कि हमारे ऊपर वो था ना वो बारी, यहाँ पर हमें लाउंज मिल जाता है अपने को। ये लाउंज नहीं, अपने इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बैठने का एरिया, मतलब बालकनी जैसा कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर बालकनी। और मैं आपको बताऊँ, ये पूरा विला अपने को दिया गया था। कितने लोग हैं हम लोग? हाँ लोग तो है बाकी। ये बीच का है, ये लड़कियों का है, उसके ऊपर मेरा था, सबसे ऊपर मेरा था। फिर हम लोग वहाँ से सीधा यहाँ पर आ गए क्योंकि भाई अपने को सोना है, आज लास्ट दिन है, अपने को यहाँ पर निकालना है। इट माइट बी आर लास्ट डे बिकॉज कल का हमें कुछ पता नहीं है, कल हमें चेकआउट भी करना पड़ सकता है या फिर कल हमें रुकना पड़ सकता है। पर अगर हमारी ट्रेन की टिकट या फिर बस की टिकट नहीं, और आई एम श्योर यार मैं ऐसा फिर से नहीं जाना चाहूँगा वापस, कि भाई जैसे हम लोग यहाँ पर वापस आए थे, मतलब कि हम लोग खड़े खड़े ये अभी भी काम कर रहे हैं। सो गाइस ये होता है, ये हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम ऐसा होता है। तो ये हमारा पार्ट 3 हो गया है स्टार्ट, क्योंकि अपना एक व्लॉग में तो नहीं हो सकता था। पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं बताऊंगा, कोशिश होगी पार्ट 2 में ही बताने की, क्या पता पार्ट 2 में रिलीज हो गया होगा। ये व्लॉग कंटिन्यू डालूंगा, एक के बाद एक व्लॉग डाल दूंगा सीधा अगले दिन में, या तो चल झूठा। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अभी नया नया ऊपर आ रहा हूँ, इतना आया नहीं हूँ, पर आप लोग ही तो लेकर आओगे यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, करना क्या होता है, लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, और सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दोगे तो फिर अच्छा है ना। मतलब आप लोगों की वजह से फ्री में किसी की जिंदगी बन रही है, मतलब कोई इंसान खा सकता है, और अगर ज्यादा कमा लिया तो फिर वो और भी लोगों को खिला सकता है भाई। एक की फैमिली खुश हो जाएगी, और वो फैमिली खुश होगी तो खुशियां बांटेगी। बात तो सही है। The next morning, guys, हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है रूम से। तो चेकआउट से आपको पता लग गया होगा ये हमारा लास्ट दिन है, ये डे 4 है। दोपहर के 12:15 हो चुके हैं, तो सब लोग बैठे हुए वो रील स्क्रॉल कर रहा है मसाला भाई, और ये इस सज्जन को कर क्या रहा है भाई? तो करना क्या चाहता है भाई? तो करना क्या चाहता है? Few moments later, हम लोगों ने चेंज कर लिया है, अभी निकल रहे हैं। इन लोगों ने नहीं किया,
सो फाइनली मुझे तो ले तेरे व्लॉग में, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, बाय कहने का टाइम आ गया। चलो ठीक है, सो गाइस फाइनली एमरेट को बाय कहने का टाइम आ गया। इसके लिए मैं कभी ज़्यादा बाय नहीं कहता हूँ, जब जाना होता है तभी बाय कहता हूँ, वरना किसी की ज़िंदगी से जाना नहीं होता तभी मैं बाय कभी नहीं कहता। अगर सामने से बाय आता तो मेरे रिप्लाई भी नहीं करता। पूछा किसी ने भाई ये अच्छा तेरी अटे थी आई तो गाइस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस हम लोग बस में जा रहे हैं फाइनली, बस में चढ़ गए, आपको दिखाता हूँ बस। ए भाई सीट नंबर सिमरन जुड़े जा, सिमरन जुड़े जा, तुम सिमरन के पास सिमरन मेरी बेबी डॉल के बेबी डॉल फाइनली हम लोग थैंक यू विष्णु भाई फॉर अरेंजमेंट फाइनली अपने लेट के जाए फाइनली हमारे पास टिकट है, आराम से जाने वाली है, आराम से जाने वाली है, सीट नंबर ओ ओ और पी साथ में लटके जाएंगे ऐसे। अरे अरे मेरे को लगा ये पूरा प्राइवेट अपना ही है, पूरा बस खरीद लिया क्या यार चीजें। एस एस मेरे नाम की तो सीट उधर है बट ये पूरा है, सारा कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस लेटते लेटते इसी में राजकोट में ही है, हेलो अहमदाबाद जाएंगे अभी, ये अभी भी काम पे लगा हुआ है। 12 seconds later हम लोग अभी भी रोड पे ही है, 6 बज गए, ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है। Many tic-tacs later गाइस हम लोगों ने बस इंटरनेट चेंज कर चुके हैं, वो बड़ी वाली पीछे पार्क है आपको देखने के लिए, पार्क अपनी बड़ी बस, और अभी हम छोटी में शिफ्ट हो गए फॉर सम रीजन। कहाँ क्यों ऐसा हुआ हमारा पानी नहीं है कि आप आ गए यार, अपने लेवल में आ गया भाई, अपने लेवल में अमीर से गरीब भी आ गए। शिवरंजनी पहुंच चुके हैं गाइस, बाकी के मेंबर्स उधर है डिस्कस कर रहे हैं कुछ, वो सवारी कर रहे हैं हमारी बैग की। फाइनली मैं आ चुका हूँ, इतने एक्साइटमेंट दोनों ने आके गले मिला, वो उसने टैची ले ली, उसने चश्मा उतार लिया, मेरे को लूट लिया आते ही। किधर है जैकेट भी लेना है गाइस। अरे अरे पता है क्या कर, तू चश्मा निकाल ठीक है ना, ठीक है तू जा, शांतनु किधर है पूछ के आ। अरे सारे कितनी देर बाद आया तू, गरा भी नहीं बचा खा शाम क्या नाम मेरे को डालने दे देखो सब लोग आ चुके हैं। तुम लोगों ने देखा नहीं, तूने देखा नहीं क्या हुआ श्री बल्ले जिसका तू कर रहा था ना। हाँ हाँ पता है, मैंने देखा पता है सुपर स्टार इधर रखा था मेरे को लेने के शादी में जा रहे अपन भाई, फिर ये बर्थडे थी, बर्थडे में बुलाया था खाने के लिए, बोलो दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास, सारा ब्लॉग ब्लॉग सब बनाया है। घर पहुंच गए अपने, वेलकम ओ आ गया
देखा आया नहीं पहले ही रोना चालू कर दिया। जलवा है हमारा। सो गाइस घर पे सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं इतना लंबा सफर के बाद। तो अभी लाइक कर दीजिए, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। खुशी के मारे बोल नहीं सकते कुछ अभी अभी, और सबको शेयर कर दीजिए ठीक है। अरे तू रुक जा, जय हिंद।